ठंडा खिलाई पिलाई, वही ऐसा बोलो ना, खिलाई पिलाई। देखो कोई कमी नहीं होना चाहिए। अरे कौन कमी हमारे रहते हुए। महामंत्री जी ये जिम्मेदारी हम तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। जा महाराज। या भगवान मैं क्या सो रही हूँ, मेरे पिताजी परसों में शादी तय कर दिया है। इधर में करण जादूगर से प्यार करती हूँ और बिना उसके मैं एक पल नहीं रह सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ, कुछ हमारी समझ नहीं आ रहा है। नहीं सा दिया लगी अपनी और कभी भी मैं रचाऊंगी, नहीं सा दास्तां अपने प्रेमी से और अभी चल कर सुनाऊंगी। कैसे मर्यादा और कदम ऐसा उठाऊंगी, ठीक है चलती हूँ, ये सारी दास्तां अपने प्रेमी से बताऊंगी। देखो क्या कहते हैं, और दरिया में मोड़ल पानी और नदिया भैल तूफानी और हमरो चढ़ल जवानी बड़ा जो चंदनपुर के महाराज भवन सिंह है। महाराज भवन सिंह के जो राजकुमारी गीता है, राजकुमारी गीता को हम अपने जादू के जोर से प्यार के जाल में फांस रखा है। राजकुमारी गीता मुझसे रोज मिलने आती है, टाइम हो चुका है, मैं राजकुमारी गीता का इंतजार करता हूं। बिन देखे नैन तुम्हें तरसे सुधू हो सां,
मैं रोता हूँ विकल्प, जब से हुआ दीदार, ना जाने किस तरह से गीता किया है तूने। गले से लगाओ खबर लेकर आई हो। कैसे बुरी खबर लेकर आई हो? बुरी मेरे लाई खबर, बुरी मेरे प्यारे, चलो पहले ले क्यों ये ज्वाला बुखार। पहले अपनी खबर वो सुनाओ, मुझे पहले अपनी खबर वो सुनाओ, फिर बाद में मौज मस्ती मनाओ। क्या देख रहा हूं, उली चेहरे की रौनक और होश गुम है, हुई बात क्या प्यारी की ताप बताओ, क्या बात है साफ साफ बताओ। मेरे प्यारे सुनो, परसों बारात आए मेरे द्वार पर, मुझको अफसोस है बस इसी बात का, आपकी गीत प्यारे चली जाए। तो क्या सुनाई खबर आगे गीता मुझे, क्या सुनाई खबर, क्या सुना रहे हो? ये तो आगे गीता मुझे, ये सहने नहीं दूंगा हर हाल में, पल में पल मचा तू वहां जाकर, शादी होने नहीं दूंगा सुन ध्यान से, नहीं हो सकती है। सुबह मुहूर्त दिन सब तय हो चुका, सुबह मुहूर्त तय हो चुका है, कर पाएंगे मुझको चिंता बड़ी बस इसी बात की, आपकी गीत तुमसे न मिल पाए। तो जैसे बारात पहुंचे तेरे द्वार पर, जैसे बारात पहुंचे पल्ला बचा दूंगा, द्वार प
पर मैं करण सिंह वहां पर पहुंच जाऊंगा। दूल्हा बारात जिंदा बचेंगे नहीं, मार कर सबको तुमको उठा लाऊंगा। ऐसा न करना हर प्यारे मेरे नाना, ऐसा ना। मैं दूल्हा बारात वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाएगी सांप मर जाए लाठी भी टूटे नहीं, 40 में ही ऐसी चली जाए। क्या चाल चली जाएगी साफ साफ बताओ। सुनो मेरी बात, मेरी शादी हो जाने दो। मेरी शादी में तुम साधु बन के आओ और शादी में शामिल हो जाओ। उसके बाद मैं तुम्हें अपने ससुराल ले चलूंगी। वहां पर कोई मंदिर तो जरूर होगा, वही मंदिर पर तुम्हें बिठा दूंगी और मैं तुमसे रोज मिलने आया करूंगी। सुनो मेरी बात, मैं साधु बन जाऊं, ब्रात में शामिल हो जाऊं, तुम्हारे ससुराल पहुंचूं, वहां पर मुझे स्थान मिलेगा, मुझसे रोज मिलने आओगी। लेकिन गीता, शादी हो जाने के बाद तुम सुहाग रात मनाओगी अपने पति के साथ, तब गीता तुम मेरे काबिल नहीं रह जाओगी, नहीं रह जाओगी। सुनो मेरी बात, मैं सुहाग रात तुम्हारी साथ मनाऊंगी। मैं उन्हें ऐसा पाठ पढ़ा दूंगी, ऐसा पाठ पढ़ा दूंगी कि वो जिंदगी भर मेरे पास नहीं आ पाएंगे। पाठ पढ़ा दोगी? हाँ। वो जिंदगी भर तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे? हाँ। वाह गीता वाह, ठीक है, हम तेरे कहने के मुताबिक साधु बनूंगा, ब्रात में शामिल हो जाऊंगा और तुम्हारे ससुराल चलूंगा। तुम कितने बड़े जादूगर हो, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। तू मेरे दिल को चुरा लिया। वाह